नमस्कार, समय के बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ गुरजोत संधु। शुरुआत करेंगे खबरों की लहरा गागा से। पंजाब के लहरा गागा में लगातार प्रदर्शन जारी है। दलित युवक की पिटाई की मौत के बाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। फिलहाल की बात करें तो मीटिंग के बाद अब फैसला हो चुका है कि रोड जाम किया जाएगा। अहम और बड़ी खबर की बात करें लहरा गागा से, दलित युवक की पिटाई के बाद मौत का मामला। दलित युवक की मौत से लोगों में आक्रोश है। आक्रोश के चलते आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है लगातार। और खासतौर पर मुआवजे की बात करें तो 50 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार का इंसाफ की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। मृतक परिवार ने शव लेने से भी इनकार कर रखा है और 50 लाख मुआवजा सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। अहम और बड़ी खबर की बात करें लहरा गागा से, दलित युवक की पिटाई के बाद मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दलित युवक की मौत से लोगों में आक्रोश पाया जा रहा है, जिसके चलते अभी फिलहाल कुछ ही देर पहले मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी जथेबंदियां मौजूद हैं, जिसके चलते परिवार की बात करें तो आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है और पीड़ित परिवार का इंसाफ की मांग को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरोपी, जिनकी तरफ से इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। इस तरह से बेरहमी से दलित नौजवान के साथ मारपीट की गई और मोर्चा लगातार जारी है। आपको तस्वीरें सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, लगातार हमारे तक वो पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। लोगों से बातचीत की जा रही है कि किस तरह का इंसान था जगमेल, जिसकी इस तरह से बुरी तरह पिटाई की गई, ऐसा क्या हो गया, जिसके चलते लोग भी वहां के बता रहे हैं कि जिस तरह से रसूखदार परिवार है जिनकी तरफ से ये मारपीट की गई, रसूखदार होने के चलते उन्होंने अपने अहंकार में आकर इस सभी को अंजाम दिया। लगातार लोगों का जमावड़ा यहाँ पर जमा होता। फिलहाल की बात करें तो लोगों ने कूच कर दिया है, रोड जाम करे बैठे हैं लोगों ने। रोड जाम के लिए मोर्चा जो है वो शुरू कर दिया। कुछ देर पहले यहाँ पर मीटिंग हो रही थी धर्मशाला में। मीटिंग में सब कुछ रणनीति जो है वो पूरी तरह से बना ली गई। तो इस बाबत हमारे संवाददाता मेरे साथ मौजूद है विकी भुल्लर जी, की कुछ बुलर्क बात करें तो फिलहाल की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है अगर मोर्चे को लेकर, क्योंकि थोड़ी देर पहले रोड जाम की तैयारी कर ली गई थी। अब बिल्कुल गजब बता दें कि संगरूर में जो एक दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अभी जो शासन और सरकार के साथ जो एक मांग उठ रही थी कि उसके परिवार को, उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, 10 बजे तक का टाइम दिया गया था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो उसके बाद अब जो जो जथेबंदियां हैं, जो 16 जथेबंदियां हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में परिवार का साथ दे रही है, उन्होंने जो सुनाम लहरा गागा जो हाईवे है उसको पक्के तौर पर जाम कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन और सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर उनको विश्वास नहीं दिलाता, नौकरी और मुआवजे की बात नहीं कही जाती, तो तब तक ये रोड पर धरना इसी तरह से जारी रहेगा। फिलहाल लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और उसी गांव के बाहर जो चंगाली वाला गांव है, गांव के बाहर इन लोगों ने जो अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रोड पर रोड ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर खासतौर से जगमेल की माता जी और उनके जो बच्चे हैं वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। गजोत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर दलित युवक की मौत से लोगों में आक्रोश जाग उठा है। उनका यही कहना कि गरीब परिवार है, बेहद ही गरीब परिवार, जिनके साथ ये नाइंसाफी की गई है। बहुत ही बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक उसकी टांगे काट दी गई, लेकिन उसके बावजूद जगमेल सिंह को नहीं बचा लिया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की। हालांकि इससे पहले की बात करें तो इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका था, क्योंकि जगमेल सिंह को अस्पताल नहीं ले जाया गया, पैसों की कमी के चलते उसको अस्पताल नहीं लेकर गए, जिसके बाद वो तड़पता रहा। तड़पने के बाद जब आखिर हालत इतनी ख़राब हो गई तो उसको PGI रेफर किया गया। PGI रेफर करने के बाद डॉक्टरों ने उसकी टांगे तक काट दी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो सका और उसकी मौत हो चुकी है। क्यों उन्होंने कुटमार की थी?
हाँ जी अच्छा जी नहीं वो कहें भी उन्होंने इन लत्त जो कुटिया गई हैं भी थामले ना बन के कुटे की गल सच है तुसी की कहना चाहते हो फिर जेड़े उन्होंने आरोप लाए ने थोड़े दलित युवक की पिटाई के बाद मौत का मामला साफ तौर पर एक बड़ा मसला। दलित युवक जिस तरह से इसकी मार पिटाई की गई और बेरहमी से इसे पीटा गया तो साफ तौर पर सभी गांववासी भी यही कह रहे हैं कि इस तरह का कहां का इंसाफ है। और जगमेल सिंह की बात करें खासतौर पर वो ऐसा व्यक्ति था ही नहीं। औरतों ने भी बातचीत की हमारे संवाददाता से, वो भी बता रही थी कि ऐसा कभी नहीं था कि किसी भी को बुरी निगाह से उसने देखा हो। सभी माँ बेटियों की इज्जत करने वाला था जगमेल सिंह। हाँ कि बचपन से उसके दिमाग में थोड़ी परेशानी थी, दिमागी तौर पर परेशान रहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि किसी को भी तंग और करे, तंग परेशान करे। अपने घर में रहता था, सब ठीक ठाक था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस तरह से उसको सजा दी जाए। लेकिन जो सजा इन लोगों की तरफ से दी गई, इन आरोपियों की तरफ से दी गई, वाकई बड़े सवाल खड़े करती है इनकी इंसानियत पर और खासतौर पर हमारी कानून व्यवस्था पर। क्योंकि मसला ये 7 तारीख से मसला लगातार जो है वो पुलिस की निगाह में है, लेकिन फिर भी FIR जो 13 तारीख को ये FIR दर्ज की गई। 10 तारीख को हालांकि ये भी जानकारी पहुंचा दी गई थी पुलिस तक कि ऐसे ऐसे मामला है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये कि क्यों इसमें इतनी ज़्यादा कोताही जो है वो बरती जा रही है, खासतौर पर बड़ा मसला। और क्योंकि दलित नौजवान इसके लिए सभी जथेबंदियां इकट्ठी होकर पहुंच चुकी हैं। अगर विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थी संगठन भी यहां पर पहुंच चुका है, महिलाएं यहां पर हैं, किसान यहां पर हैं, अलग अलग जथेबंदियां यहां पर हैं। सभी का यही कहना कि इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। खासतौर पर अभी की बात की जाए तो रोड जाम किया हुआ है, रोड जाम करके सभी बैठे हैं, उनकी तरफ से लगातार नारेबाजी करके इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। खासतौर पर आज की बात की जाए तो आज 10 बजे तक इन्होंने समय दिया था कि 10 बजे तक अगर कोई हमारे पास अधिकारी आता है, हमारे साथ बातचीत करता है, मुआवजे की कोई बातचीत होती है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम बड़े पक्के तौर पर ये मोर्चा जो है वो गांव-गांव जाकर निकालेंगे। उसके चलते ही मीटिंग हुई, मीटिंग में ये फैसला किया गया कि मोर्चा जो है निकाला जाएगा, जिसके चलते अभी फिलहाल रोड जाम करके बैठे हैं सभी जथेबंदियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं। और अगर उनकी पत्नी की बात की जाए, उनके बच्चों की बात की जाए तो उनकी पत्नी जो है फिलहाल PGI में, वहाँ पर उन्होंने मोर्चा लगा रखा है। कुछ पारिवारिक मेंबर वहाँ पर मौजूद है जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ से शव नहीं लेके जाएंगे, शव तब तक नहीं लेके जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने जहाँ धरना लगाया गया, रोड जाम किया गया है। और ये माता जी जगमेल सिंह की बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हालांकि धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है और भी जथेबंदियां। तो माता जी देख सकते हैं इनका साफ तौर पर यही कहना कि हमारी कोई नहीं सुनवाई, हमारी सिर्फ मीडिया सुन सकता है। हमारे संवाददाता से ये बात कर रहे थे, यही कह रहे थे कि आप भी हमारी कुछ मदद कर सकते हो क्योंकि हमारा पुत्र चला जा चुका है। जिस तरह से उसके साथ बेरहमी की गई, किसी भी कीमत पर कोई माँ कोई परिवार नहीं बर्दाश्त कर सकता। इकट्ठे होकर सभी यहाँ पर बैठे अब देख सकते हैं जगमेल कौर की माता जी किस तरह से रो कर ला रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना कि इंसाफ चाहिए, इनका परिवार गरीब है, गरीब परिवार के चलते एक ही कमाने वाला था जिसको इस तरह से प्रताड़ित कर मार दिया गया, कत्ल किया गया। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे, लगातार रोड जाम किया गया इनकी तरफ से, पक्के तौर पर इन्होंने रोड जाम कर दिया है जहाँ से किसी को भी आने जाने नहीं दिया जाएगा। सरकार के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करती हुए साफ तौर पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, यही कहना कि मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। पक्के तौर पर इन्होंने मोर्चा लगाया यहाँ पर लहरा गागा संगूर, रोड जाम कर दिया गया साफ तौर पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये मोर्चा निकालते हुए बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की आप साफ तौर पर देख सकते हैं
जब इन्होंने मोर्चे की शुरुआत की इस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जथेबंदियां यहाँ पर मौजूद है, किसान जथेबंदियां यहाँ पर मौजूद है, आम लोग मौजूद है, स्टूडेंट वेलफेयर मौजूद है, संगठन मौजूद है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, सभी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर दलित नौजवान के लिए मोर्चा लगाए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ देख सकते हैं आप मोर्चा पूरी तरह से लगाया गया जिस तरह से रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, दो लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कैमरा वन और कैमरा टू की मदद से। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ जगमेल की माता जी हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके दिल में शायद इंसानियत अभी भी जिंदा है। इंसानियत के लिए लोग खड़े हैं, दलित नौजवान के लिए लोग खड़े हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना, किसी की कीमत पर यहाँ से उठने वाले तो नहीं है। इंसाफ अगर मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तभी यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से उठेंगे। क्योंकि साफ तौर पर बड़ा मसला ये कि ये गरीब परिवार, यहाँ तक कि इनके पास इतने पुख्ता पैसे भी नहीं थे कि ये उस समय तुरंत जगमेल का इलाज करवा सके। कई दिनों तक जगमेल घर पर ही पड़ा रहा, वहाँ पर इसकी मरहम पट्टी होती रही। तो दूसरा कैमरा आपको दिखा रहे हैं, तो दूसरा कैमरे की बात करें यहाँ पर जगमेल कौर, जगमेल सिंह के माता जी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है, उनके पास चलते हैं सीधा। क्या कुछ कहेंगे विकी, खास तौर पर बात करें तो मोर्चा लगातार जारी है। बिल्कुल, जो इन लोगों ने मोर्चा यहाँ पर लगा दिया है, जो पहले भी हम बता चुके हैं कि सनाम जो लहरा गागा जो मुख्य मार्ग है उसको जाम कर दिया है, वहाँ पर काफी बड़ी तादाद में लोग हैं। जगमेल की माता जी है, जगमेल के बच्चे हैं, जगमेल की दोनों बेटियां हैं और उसका बेटा है जिन्होंने रोड पर जाम कर दिया है। साथ ही अगर बात की जाए तो PGI में जगमेल की पत्नी और बहन अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। वही लोग हैं जो उसकी माता के साथ, उनके बच्चों के साथ, जहां पर उनके अपने गांव चिंगारी वाला गांव में जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाता रहे, कैमरामैन को चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि माता जी हैं और बेटी को देख सकते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि कैसे हालात होंगे उन लोगों के ऊपर, उस माँ के ऊपर जिसका बेटा चला गया, जिसके बेटे को उसको गांव के लोगों ने इतना तसद्दद ढा दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी की तस्वीरें जान दिखाना चाहेंगे कि बेटी है, आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी बेटी है, तो बेटी गोद में बैठी है जिस समय उसको अपने हो सकता है कि अपने पापा की गोद में होना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा शब्द ना उसके ऊपर हुआ होता तो आज जो बेटी है वो बिल्कुल बिल्कुल पुलर समझ सकते हैं। जिस तरीके दे नाल इत्थे परिवार दा दुख जाहिर हो रहा है, वाकई जेकर तुसी होर लोग इत्थे बैठे ने जो कोई गलबात कर सकते ने, सो सीधियां तस्वीरां असीं दर्शकां तक पहुंचा रहे हैं। असीं दर्शकां नूं दस दईए कि इत्थे जिहड़ा रोड जाम किया गया, वड्डे पद्धर ते मोर्चा कढ़िया जा रहा है, ते पल पल दे अपडेट लाइव तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। साडे पत्रकार दे हवाले दे नाल विकी पुल्लर उत्थे मौजूद ने, जिथे जथेबंदियां जिहड़ियां ने इकट्ठियां हो रहियां ने हौली हौली। देख सकते हो तुसीं सीधियां तस्वीरां जगमेल सिंह दे माता जी जिन्हां दे हालत इस वेले हर एक माँ समझ सकती है, हर एक औरत समझ सकती है, खास तौर पर हर एक इंसान भी समझ सकता है जिस तरीके दे नाल इहदे पुत्तर दे नाल हालात किए गए ने। विकी साढ़े नाल लगातार मौजूद हैं जी, विकी की कुछ कहोगे फिलहाल गल की जाए तो की कुछ किया जा रहा, रोड जाम किया गया, इतों के हालात के बारे तुसी अपने शब्दों के बयान करो। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। Thank you.
ਜ਼ਾਬਤਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਵਿੱਕੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਕਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਫਿਲਹਾਲ? ਬਿਲਹਾਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੇਰਕਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲੱਤਾਂ ਪਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੇਲ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ FIR ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਕੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਉਹ ਜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਨ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 977-967-3359